रेडियो कथारत्न। रेडियो कथारत्न पर आज सुनते हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गिला, आवाज रत्ना राय की। जीवन का एक बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले क्यों करते? वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बड़ा बुरा मालूम होता है, और इनका यह हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न ही दाम उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीजें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया साहब कि चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहां माल अधिक खपता है इसलिए ताजा माल आता रहता है, पर इनकी तो टटपुंजियों से ही बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूंदते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला लो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने कोटोजेन या दरअसल घी से एक छटांक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दिया आएंगे शुद्ध आंवले का तेल। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान फीके पकवान के कायल है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान में ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा सहा नहीं जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्हीं ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं, एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया, मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे, बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खा जाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूं, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहां तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकट, लंगोट में फाग खेलने वाले फाके मस्त हैं।
जिनका उद्गम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। रोज ही एक ना एक महाशय उधार मांगने सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, दो बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस हजार बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूं रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते, क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त, तो बस बगल झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों का सूखा जवाब दिया नहीं जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरावती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें, आखिर लोग जान न जाएंगे कि यह महाशय भी खुखल ही है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम आ गया। एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सर पर सवार रहते हैं, न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से दो पलंग, ओढ़ना बिछाना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछाना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा न खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का ही अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें तो इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। दो एक बार महाशय को इसका अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गाठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। कोई चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्वत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग सब्जी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती हूं कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूं। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, पदले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बात में आ जाती हूं, मुझे स्वयं आश्चर्य होता है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के कोई और लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था, पर अव्वल दर्जे का गधा। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। खून खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है, आप नहा धोकर धोती छांट रहे और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं।
जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता तो भी आप उसे समीप ना आने देते, बस उसके दोषों को गुण बताकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल ना होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने तक की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, उधर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठाक झाड़ू नहीं लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूं कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द गुब्बार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग से बताती नहीं और उल्टे डांटने लगती हो। खैर, दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया, अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूं कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सर पर दे मारी, हरामखोर को उसी दम बाहर निकाल किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वह हरी समझ, एक तो काम ना करे, उस पर से आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दो। मैं एक कौड़ी भी न दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं, मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी बाजार में बेच दिया होता। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है, नजर या डाली तो दूर की बात। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते, इसका खामियाजा आप न उठाएं तो और कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सर मढ़ा जाता है, इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है, मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूं, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूं। आखिर कोई अफसर आपसे प्रसन्न क्यों हो, इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है, जब मन में शोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास करता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी, अफसर भी तो मनुष्य है, उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वो कहाँ से पूरी हो। जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे। आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपके कई भाई भतीजे भी होते हैं, वो कभी इनकी बात नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक बड़े भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है, वो ठाट से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से एक भी पत्र नहीं लिखते।
एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दिया। रुपए ना आने थे ना आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी तो केवल एक सप्ताह खत पहुंचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है। एक सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका हाल ये है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही ना देते। इतने प्रसन्न चित नजर आते कि क्या कहूं। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मायके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का भी बखान असाधारण रीति से हो रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में पूछ ना बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर ना मिले। लेकिन मैं भला कब चुकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लौंडी दासी की संताने हैं? 500 रुपए साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा, पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी ना मिली। मोटे हिसाब से तो हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, अरे कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भांड भिजवाते हैं, और कहाँ से लाएं जो हमारे पास भेजें? वाह रे बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च की जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर एक कह देते। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों के तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से तो ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं, सब के सब उधमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल कि यह भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी तक घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूं, आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूं और अखबार छीन कर कहती हूं, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है, आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूं, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूं, तू किधर से आ गया? तुझे वो ढूंढने गए हैं, देखना आज कैसी मरम्मत होती है, या आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात ही नहीं सुनते, आज आटे दाल का भाव मालूम होगा।
लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई भयंकर बड़ा कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वो क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनकी शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते क्यों नहीं हो? खबरदार जो कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चलाता है या मटरगश्ती करता रहता है? मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे काली घटा की घेर घार हुई, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या चार बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे लगाए होते। इसी तरह लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा? बच्चा की जान ही निकल गई होगी, देख लेना फिर जो कभी देर आए। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुन ही नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए, लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता, कभी गुल्ली डंडा, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं, 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा ले उड़े या गुल्ली डंडा खेल सके, खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे, स्कूल से ज्यों ही लड़के आते वे फिर लेकर बैठ जाते। बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरे। कभी कभी आप सिंह कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे, उनकी आवाज सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है, तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था? बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे, यूं घुमाओ, यूं गोता दो और यूं खींचो और यूं ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को ना खराब कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत, लगे बगले झांकने। मैं चाहती हूं एक बार यह भी गर्म पड़े तो मैं अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूं। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे, लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी ना पसीजते थे। और इन महात्मा जी का हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं, चलो चलो वहां बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना,
और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते, या अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी एक से एक घातक, गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े, पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था, आपको जिद थी कि दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही क्यों ना बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकुदा, समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ ना फैलावे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसे की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले तो संभव नहीं। मैंने जहां जहां संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक ना चली, ये रस्म निरर्थक है, यहां रुपए की क्या जरूरत, यहां गीतों का क्या काम। नाक में दम था, यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह पर कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात बाहर द्वार पर खड़ी हुई है और यहां बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था, प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही क्यों व्रत रखें। मैं और मेरा सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया, आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निषिद्ध मानते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशु दान भी हो सकता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है, संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह कि आपने ही तो अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोल चाल न रही, झक मार कर मुझे ही मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वो जरा मामूली सी देर घर आते हैं तो प्राण नहों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर भी ना देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कलपुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों ना हो।
जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए हुए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाए हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं उनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने मन की बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बयान करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।